ऑफ यू, आज हम फर्स्ट नंबर की जो पोयम है हे मातृभूमि, उसका स्वाध्याय आज हम लिखेंगे। जिन छात्राओं ने स्वाध्याय लिखा है उन्होंने वह स्वाध्याय वैसा ही रहने देना है, और जिन छात्राओं ने स्वाध्याय लिखा नहीं है उन्होंने यह स्वाध्याय आज लिखना है। पहले नंबर का प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां करो। उसका प्रश्न है मातृभूमि की विशेषताएं, यानी मातृभूमि की चार विशेषताएं यहाँ पे आपको लिखनी है। पहले नंबर पर आपको लिखना है पुण्य नाम, पुण्य नाम। दूसरे नंबर पर लिखना है भूमि। दूसरे नंबर पर लिखना है पावन भूमि। और तीसरे नंबर पर लिखना है समुद्र नित्य चरण धोकर प्रणाम करता है, समुद्र नित्य चरण धोकर प्रणाम करता है। और चौथे नंबर पर लिखना है श्री राम कृष्ण जैसे सपूत पैदा हुए। चौथे नंबर पर लिखना है श्री राम कृष्ण जैसे सपूत पैदा हुए। अब हम लिखेंगे प्रश्न क्रमांक दो। प्रश्न क्रमांक तो कृतियां पूर्ण करो, कृतियां पूर्ण करो। उसका प्रश्न है कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है, कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। तो पहले नंबर के बॉक्स में लिखो शी श, और दूसरे नंबर के बॉक्स में लिखो भक्ति भेंट। दूसरे नंबर के इसमें लिखो भक्ति भेंट। जिन छात्राओं ने मन और शरीर लिखा होगा तो उन्होंने वैसे ही रहने देना है। आप मन और शरीर भी लिख सकते हैं या शीश और भक्ति भेंट भी लिख सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक तीन। प्रश्न क्रमांक तीन, एक शब्द में उत्तर लिखो, एक शब्द में उत्तर लिखो। पहले नंबर का जो प्रश्न है, कवि की जीवा पर इसके गीत हो, कवि की जीवा पर इसके गीत हो, तो उसका उत्तर लिखना है मातृभूमि। उसका उत्तर लिखना है मातृभूमि। प्रश्न क्रमांक दो, मातृभूमि के चरण धोने वाला, मातृभूमि के चरण धोने वाला। उसका उत्तर लिखना है समुद्र, उसका उत्तर लिखना है समुद्र। प्रश्न क्रमांक तीन, मातृभूमि के सपूत, मातृभूमि के सपूत। उसका उत्तर लिखना है राम और कृष्ण, उत्तर लिखना है राम और कृष्ण। प्रश्न क्रमांक चार, प्रतिदिन सुन सुनाने योग्य नाम। उसका उत्तर लिखना है पुण्य नाम। चौथे का उत्तर लिखना है पुण्य नाम। प्रश्न क्रमांक पांच, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। उसका उत्तर लिखना है शीश, उसका उत्तर लिखना है शीश। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक चार, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। उसमें आपको लिखना है सेवा में तेरी, सेवा में तेरी, मैं सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव तजकर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुन सुनाऊँ। सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव तजकर पुण्य तजकर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुन सुनाऊ, प्रतिदिन सुन सुनाऊ। तेरे ही काम आऊ तेरा ही मंत्र गाऊ, तेरे ही काम आऊ तेरा ही मंत्र गाऊ। मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊ, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊ। यह आपको कविता की जो पंक्तियां है वह पूर्ण करनी है, यानी पूर्ण कविता की जो पंक्तियां है वह आपको नोटबुक में लिखनी है।
अब हम देखेंगे भाषा बिंदु। भाषा बिंदु, निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो, यानी जो विराम चिन्ह यहाँ पे दिए हुए हैं उन चिन्हों का आपको नाम लिखना है और हर एक चिन्ह का एक एक उदाहरण आपको नोटबुक में लिखना होगा। तो सबसे पहले जो चिन्ह है उसको कहेंगे हम पूर्ण विराम। सबसे पहले चिन्ह को कहेंगे पूर्ण विराम। उसका उदाहरण आपको लिखना है, मीना बाजार जाती है, मीना बाजार जाती है, और आखिरी में आपको पूर्ण विराम देना है, पूर्ण विराम देना है। दूसरा जो चिन्ह है वह है अर्ध विराम, वह है अर्ध विराम। उसका उदाहरण लिखना है आपको, उसका उदाहरण लिखना है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, अर्ध विराम, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, अर्ध विराम वहाँ पे लगाना है, और उसके आगे लिखना है मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। यानी उसका उदाहरण आपको ऐसे लिखना है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं अर्ध विराम, और मगर चाहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। यह हो गया दूसरे चिन्ह का उदाहरण। अब हम तीसरा जो चिन्ह है उसका नाम लिखेंगे और उसका उदाहरण लिखेंगे। तीसरा चिन्ह का नाम है प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह। उसका उदाहरण लिखना है, यह गाय क्या आप लोगों की है, यह गाय क्या आप लोगों की है, और आखिरी में आपको प्रश्न चिन्ह देना है, यह गाय क्या आप लोगों की है, और आखिरी में आपको प्रश्न चिन्ह देना है। इसके बाद में जो चिन्ह है उसका नाम लिखो, उसका नाम है योजक चिन्ह, उसका नाम है योजक चिन्ह। उसका उदाहरण आपको लिखना है, उसका नाम है योजक चिन्ह। उसका उदाहरण लिखो, खुद पढ़े लिखे है कॉमा सभा सोसाइटी में जाते हैं, सभा के बाद में योजक चिन्ह आपको लगाना है, और सोसाइटी में जाते हैं यह बाद में लिखना है, यानी खुद पढ़े लिखे है कॉमा सभा उसमें उसके बीच में योजक चिन्ह, सोसाइटियों में जाते हैं, सोसाइटियों में जाते हैं। और उसके आगे का जो चिन्ह है वह है विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। उसका उदाहरण आपको लिखना है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का उदाहरण आपको लिखना है, ओ क्या बड़ी बात है, ओ के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह और क्या बड़ी बात है यह बाद में लिखना है। इसके आगे का जो चिन्ह है वह है, इसके आगे का जो चिन्ह है वह है एकेरी अवतरण चिन्ह, एकेरी अवतरण चिन्ह, एकेरी अवतरण चिन्ह। उसका उदाहरण आपको लिखना है, एकेरी अवतरण चिन्ह का उदाहरण लिखना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला में एकेरी अवतरण चिन्ह वहाँ पे लगाना है, निराला के ऊपर आपको मुक्त छंद के प्रवर्तक थे, यानी निराला जो है उसमें एकेरी अवतरण चिन्ह उस शब्द में आपको लगाना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक थे, यह उदाहरण आपको लिखना है। अब उसके आगे का जो चिन्ह है वह है दुहेरी अवतरण चिन्ह, दुहेरी अवतरण चिन्ह। उसका उदाहरण आपको लिखना है, दुहेरी अवतरण चिन्ह का लिखना है, मैं पहले ही पूछ लेता, यहाँ पे आपको
दुहेरी अवतरण चिन्ह लगाना है। भोग क्या क्या लगेगा, भोग क्या क्या लगेगा, इसको आपको दुहेरी अवतरण चिन्ह ऊपर लगाना है। यानी मैं पहले ही पूछ लेता, उसके बाद में कॉमा, फिर बाद में दुहेरी अवतरण चिन्ह में लिखना है भोग क्या क्या लगेगा, भोग क्या क्या लगेगा। इस तरह से हमने जो भाषा बिंदु है यह प्रश्न हमें अभी लिखा है। इसके बाद में उपयोजित लेखन है, उस उपयोजित लेखन में आपको जो आप जो प्रोजेक्ट करते हो, यानी जो हम प्रोजेक्ट लिख कर लेते हैं, उसमें आपको उपयोजित यह जो उपयोजित लेखन है उस में जो कहानी बताई है शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। यह जो कहानी आपको लिखनी है, यानी शब्द है ग्रंथालय कॉमा स्वप्न कॉमा पहेली कॉमा काच, यानी यह जो शब्द है इन शब्दों को लेकर आपको एक कहानी तैयार करनी है। यह कहानी आपको आपके प्रोजेक्ट में लिखनी है, यानी हिंदी का जो हम प्रोजेक्ट देते हैं तो उसमें आपको यह कहानी लिखनी है। जिस तरह से जैसे जैसे आप हमारे लेसन होंगे उस तरह से उस लेसन के पीछे या मैं आपको इसी तरह पीरियड में बताया करूँगी कि किस तरह से प्रोजेक्ट बुक में आपको क्या क्या लिखना है, तो वैसे वैसे आप लिखा करो। तो आज जो है यह आपको उपयोजित लेखन जो है यह आपको प्रोजेक्ट में लिखना पड़ेगा, यानी यह कहानी आपको प्रोजेक्ट बुक में लिखनी पड़ेगी। तो इसी तरह से आज हमने ये स्वाध्याय देखा है, यानी जो पोयम नंबर फर्स्ट थी ये मातृभूमि, इसका स्वाध्याय आज हमने पूरा लिख लिया है। तो बाकी का जो है हम अगले पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।